हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम 10वीं का हिंदी का पहली इकाई का पांचवा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक है विनय शर्मा। पांच, गोवा जैसा मैंने देखा। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं गोवा, अकेले नहीं लेखक के साथ। हाँ, गोवा जैसा मैंने देखा ये जो पाठ है ये लिखा है विनय शर्मा इन्होंने, तो हम लेखक जी के साथ जा रहे हैं। इस पाठ की विदा है यात्रा वर्णन, तो चलते हैं और पर्यटन का मजा ले लेते हैं। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा राज्य। वहां की प्राकृतिक सुंदरता, वहां के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहरम या मनोहरी चित्रण विनय शर्मा इन्होंने किया है। और हाँ, एक खास बात यह है कि यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। गोवा, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और क्यों न उठे, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचे, साथ में उनके साडू साहब भी थे। 23 नवंबर लेखक जिस गोवा एक्सप्रेस में बैठे थे वो रेल मडगांव रुकी, तब वहां एक टैक्सी आई तो परिवार एक टैक्सी में बैठ गया। शीतल हवा के झोंकों ने सभी का मन प्रसन्न कर दिया। लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की समस्याओं से जूझ रहे होते ना, तो उनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। हाँ, क्योंकि बदले हुए वातावरण से मन तरोताजा हो जाता है। लेखक कस्बा बेनालियम के एक होटल में ठहरे, जो उन्होंने पहले ही बुक किया था। वैसे देखा जाए तो गोवा राज्य दो भागों में बंटता है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है, फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी रहती है, जैसे हम मराठी में कहते हैं दमट वातावरण, है ना। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरियाली से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी होती ही है। गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अब लेखक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह बेनालियम बीच की ओर चले। चलो हम भी उनके साथ चलते हैं, आनंद उठाते हैं। लेखक का अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। लेखक और उनका परिवार सब दौड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर वे भाग रहे थे।
खूबसूरत समुन्दर देखते ही लेखक बहुत आनंदित हो उठे। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में चूट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहरें आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का की की कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आता है। सबसे पहले लेखक अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक ओर लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। ये अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला, ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद लेखक ने दिन भर पंजी शहर देखा और फिर वो जा पहुंचे कलिंगवुड बीच। ये काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि कारण है स्थानीय लोगों के व्यवसाय का ये केंद्र बिंदु है। दूर दूर तक पानी, बहने वाली हवा, सैलानी, ये वातावरण देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को होटल आकर थकान मिटाना। एक दिन लेखक ने कोलवा बीच पर बोटिंग का आनंद भी लिया। यहाँ उन्होंने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इतने कम दिनों में लेखक ने गोवा देखा, लेकिन समझ नहीं पाए। पर हाँ, वे इतना जरूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थायी लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।